जो भी कैंडिडेट 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको 19 जून से यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे, और 17 को जो है कि आपका जो भी सूचना है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 11वीं में 19 से फॉर्म भर सकते हैं। CBSE और IC छात्रों को फॉर्म भरने पर ही होगी जारी लिस्ट। तो जो भी कैंडिडेट 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं और CBSE और ICSE बोर्ड से हैं, तो उनका रिजल्ट आने के बाद आपका जो है कि पोर्टल ऑन रहेगा। हालांकि अभी पोर्टल जो है कि देख सकते हैं 19 जून से शुरू होगा, और जो कि यहाँ पे 28 जून तक यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जाएगा। यहाँ पे साफ डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कैंडिडेट जो CBSE बैकग्राउंड से हैं या ICSE से हैं, तो इन दोनों का भी रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है, और इसका जो फॉर्म का जो शुल्क है 350 यहाँ पर रखा गया है। ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जिस भी कोर्स में लेना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे कॉलेज को सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपका फाइनल जो है कि लिस्ट जारी होगी, और जिस भी कॉलेज आपका अलॉट होगा वहाँ पे जाकर आपको एडमिशन लेना होगा। तो इस तरीके से, और जहाँ यहाँ पे जो पोर्टल की बात कर ले, तो यहाँ पे पोर्टल है www.offssbihar.in। तो इसके माध्यम से आप सभी को यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन देने हैं। जो भी अपडेट होगा आपको आगे मिलता रहेगा। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। थैंक यू।